थेपला एक ऐसी रेसिपी है जो गुजराती क्यूजिन में सबसे फेमस है और अभी ऑल ओवर द कंट्री भी ये बहुत ही फेमस रेसिपी है और इसे बनाना बहुत ही आसान है और साथ ही साथ बहुत ही हेल्दी भी है। इसे आप ब्रेकफास्ट, डिनर या फिर जब भी आप ट्रैवलिंग में जाते हैं तो इस तरह के थेपला बना के ले जा सकते हैं और इवन बच्चों के लंच बॉक्स में भी भर के दे सकते हैं। तो चलिए हेल्दी ज्वार मेथी थेपला बनाना स्टार्ट करते हैं। थेपला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप जितना ज्वारी आटा लिया है। अब उसी के ही साथ हम यहाँ पे 1 कप जितना गेहूं का आटा ऐड करेंगे। आप ज्वार के आटे की जगह बाजरे का आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच रेड कश्मीरी चिली पाउडर, नमक अपने स्वाद अनुसार ऐड करेंगे और 1 चम्मच जितना इसमें तेल ऐड करेंगे, 1 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच जितना क्रश किया हुआ चिली जिंजर गार्लिक ऐड करेंगे, 1 चम्मच शुगर। शुगर की जगह आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 1 बाउल जितनी मेथी ली थी इसे अच्छे से वॉश कर लिया था और चॉप करके ऐड किया है। 2 से 3 चम्मच जितनी हरी धनिया ऐड करेंगे और इन सबको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो थेपला है वो बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसमें हमने ज्वार का आटे का इस्तेमाल किया है। अब इसमें 3 टेबलस्पून जितना हम ऑयल ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज्वार का जो आटा होता है वो ग्लूटेन फ्री होता है और साथ ही साथ वेट लॉस करने में भी बहुत ही हेल्प करता है और ये जो थेपला है वो डायबिटीज़ के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। अब इसमें 1/2 कप जितना दही ऐड करेंगे और इसका एक सेमी सॉफ्ट जैसा डो बना के प्रिपेयर कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पे ज़रूरत लगे तो थोड़ा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी हम थेपला के लिए दही का इस्तेमाल करते हैं तो जो दही है वो थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए, उसी से जो थेपला का टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है। अब आटे को हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इसमें से थेपला बनाएंगे। रेस्ट देने के बाद हम आटे को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से नीड कर लेंगे। अब इसमें से हम मीडियम साइज़ की लोई बना के प्रिपेयर कर लेंगे। तो इस तरह हमें यहाँ पे मीडियम साइज़ की लोई बना के प्रिपेयर करना है। अब इसे हम सूखे आटे में डस्ट कर लेंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से इसे बेल लेंगे। फ्रेंड्स, जब भी हम थेपला बेलते हैं तो इसे हमें बहुत ही हल्के हाथ से बेल के प्रिपेयर करना है। यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगे कि जो थेपला है उसकी जो एजेस है वो थोड़ी सी टायर हो गई है तो इस तरह आप ढक्कन से कट कर सकते हैं। अगर आप इसकी एजेस को कट नहीं करना चाहते तो ये स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो थिकनेस है वो मीडियम होनी चाहिए, ना ज़्यादा मोटा भी होना चाहिए और ना ज़्यादा पतला भी होना चाहिए। अब इसी तरह हम सारे थेपले बेल के प्रिपेयर कर लेंगे और दूसरी ओर हम तवा को गर्म होने के लिए रख देंगे। इसे हमें मध्यम आँच पर दोनों साइड अच्छे से सेक लेना है। जो नीचे की साइड है वो अच्छे से सेक गई है तो इसे हम पलट लेंगे और दूसरी साइड में भी अच्छे से सेक लेंगे। अब दोनों साइड अच्छे से सेकने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी अप्लाई कर लेंगे। आप घी की जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे हम पराठा सेकते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसे मध्यम आँच पर अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। ये जो थेपला है इसे आप बना के बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, इवन आप ट्रैवलिंग जाते हैं तो उसमें बना के भी ले जा सकते हैं। तो इस तरह हम सभी थेपले को सेक के प्रिपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ज्वार मेथी थेपला बन के तैयार हो गया है। आप इसे दही और आम के अचार के साथ सर्व कर सकते हैं और इवन ये जो थेपला है वो छुंदे के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जल्दी वापस आएंगे ऐसे एक आसान सी रेसिपी के साथ दोस्तों, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।